हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल AICTE एडवांस टेक में। मैं प्रशांत भटनागर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपका अगर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है या सेंटर चल रहा है ऑलरेडी, और आप सोच रहे हैं कि हम बुक्स वगैरह प्रोवाइड कर सकें अपने स्टूडेंट को अपने इंस्टीट्यूट के नेम, लोगो और वेबसाइट वगैरह एड्रेस के साथ, तो आज मैं आपको बताऊंगा उनकी क्या क्या प्रोसेस होती है, कैसे हम इसको अपना प्रिंट करवा सकते हैं और क्या क्या उसकी कॉस्ट आ सकती है। तो ये पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी जो नए लोग अगर मेरे से जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और डिस्क्रिप्शन में जाकर ज़रूर वीडियो को वॉच करें, आपको बहुत ज़्यादा उससे आपकी हेल्प हो जाएगी। तो और कोई भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप help@aict.gmail.com पर अपना मोबाइल नंबर और अपनी क्वेरी लिख कर मेरे को सेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बुक को एक तरीके से प्रिंट कराने के लिए आपको अपने जो सिटी है या फिर एरिया है या स्टेट है, वहाँ पर आपको किसी पब्लिकेशन हाउस में संपर्क करना पड़ता है। ठीक है, आपको ये इजीली मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको उनका नंबर दे दूंगा, आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, और आपको आसपास मिल जाता है तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो अब ये पूरा वीडियो को आप देखेंगे तो समझ पाएंगे क्या क्या प्रोसेस हो सकती है। थोड़ी सी अलग हो सकती है हर स्टेट की या सिटी के हिसाब से अमाउंट या क्वान्टिटी में, बट प्रोसेस इनका यही रहता है। तो देखिए, आज हम समझ लेते हैं। तो देखिए, अब क्या होता है कि जैसे हमें अपने ब्रांड के एक तरीके से पब्लिसिटी करानी है तो हमें बुक के थ्रू भी हमारी होती है। तो क्योंकि जो हम स्टूडेंट को देते हैं तो उससे क्या है कि हमारे इंस्टीट्यूट की वैल्यू भी बढ़ती है और स्टूडेंट को भी लगता है हाँ, बुक मिली, बड़ा ब्रांड है। तो और जब जहाँ जहाँ वो बुक जाएगी तो जो भी पढ़ेगा तो उसको एक तरीके से आपके सेंटर का नाम ऊपर होगा कवर पेज पे, लोगो होगा, पीछे आपका एड्रेस और फ़ोन नंबर, वेबसाइट भी होगी। तो इस तरीके से आपकी पब्लिसिटी होती रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके लिए क्या क्वांटिटी है और क्या कॉस्ट है। तो देखिए, किसी भी पब्लिकेशन हाउस को थोड़ी सी अमाउंट पे ये बुक नहीं आपको छाप के देगा, आपको प्रिंट करके देगा। इसके लिए आपको क्या करना है, इनकी मिनिमम क्वांटिटी 200 की रहती है, यानी कि 200 बुक आपको छपवानी पड़ेंगी किसी भी एक टॉपिक पर। जैसे सपोज करिए टैली हो गया तो टैली का एक सब्जेक्ट हो गया, एमएस ऑफिस है तो उसका अलग। तो इस तरीके से 200-200 की क्वांटिटी रहती है। ये आपको इनको देना होगा ऑर्डर, और फर्स्ट टाइम जो होती है डिजाइनिंग का ये कुछ अमाउंट ले सकते हैं। तो वो क्या होगा कि फर्स्ट एक बार के लिए होगा, अगली बार आपको जब ऑर्डर देंगे तो वो आपको नहीं लिया जाएगा। उसमें ये क्या करेंगे, आपके जो पहला पेज है, जो फ्रंट पेज है बुक का, उसमें आपका लोगो और नेम वगैरह आपको डिजाइन करके देंगे, पीछे एड्रेस वेड्रेस वेबसाइट वगैरह सब कुछ डाल के देंगे। जब आप सेटिस्फाई हो जाए तो उस कवर पेज के साथ आपका बुक आपकी छप जाएगी। तो इस तरीके से रहता है। और इसका अमाउंट की बात करें तो देखिए, टैली GST का जो मैंने अमाउंट देखा है तो वो होता है आपका, जैसे सपोज़ करिए इसमें 40-50% का आपको डिस्काउंट मिल जाता है। आप देखिए, सपोज़ करिए टैली GST की बुक है 200 रुपये की, तो आपको ये 90 रुपये की पड़ेगी। तो आपको 200 की क्वांटिटी में इनको ऑर्डर देना है तो ये आपको आपके सेंटर पर भिजवा देंगे। ट्रांसपोर्ट का ये थोड़ा सा चार्ज ले सकते हैं 200-300 के बीच में, एरिया के हिसाब से डिपेंड करेगा। तो आप इनसे डायरेक्ट बात कर ले सकते हैं, और अगर आपके एरिया में है तो आप उनसे भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं। इससे बस ये है कि इससे एक तरह से ब्रांड की वैल्यू बढ़ती है, और जो चाहते थे कि बुक हमारी छप जाए तो आपको ये नॉलेज मिल गई होगी इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इसमें इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर अपने एरिया में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इस आपकी बुक मिलेंगी। MS ऑफिस हो गया, फंडामेंटल हो गया, CCC की हो गई, और आपकी MS ऑफिस की हो गई, टैली भी GST की हो गई, और भी कई बुक हैं। तो वो आप इनसे कांटेक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या आपके एरिया में वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको पता चल गया कि बुक कैसे छपती है अपने नेम से। तो इस तरीके से रहता है, इनका क्वांटिटी का रहता है, क्वांटिटी इससे कम नहीं ले सकते ये, क्योंकि फिर आप एक तरीके से उनको एक तरीके से फिर मार्जिन नहीं मिल पाएगा। और जो ये बुक की आपकी कॉस्ट निकल के आएगी वो आप अपने स्टूडेंट से कलेक्ट कर सकते हैं। आप जब एडमिशन लेंगे तो आप कह सकते हैं भाई ये सेट हम आपको दे रहे हैं, इसका ये चार्जेस है, बुक के साथ आपकी ये फीस है। तो जो आपने पब्लिकेशन हाउस को फीस दी थी उसमें थोड़ा सा ऐड करके एक तरीके से आपको वो भी मार्जिन मिल जाएगा थोड़ा सा, और बुक का भी आपका निकल जाएगा। ये धीमे धीमे आपका निकलता रहेगा, आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी पूरी बुक की, और थोड़ा सा आपको अमाउंट जरूर शुरू में लगाना पड़ेगा, फिर आपके पास क्वांटिटी आएगी या धीमे धीमे वो सारी बुक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे कुछ और लाते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।